तो अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों और बहनों को। आपको यार जैसा कि पता है, मैं कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंतहाई जलील हो गया हूँ। और कल रात को तकरीबन 2 बजे मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ, वो भी इंतज़ार कर कर के। आपने देखा होगा कि मुझे कोई राइड नहीं मिली और मैं फिर जो है थका हार के मैंने फिर यही फैसला किया कि यार चलो घर चलते हैं। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था, हिम्मत मेरी एंड हो चुकी हुई थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। और मैंने फ्लाइट का जो है वो भी शेड्यूल देखा था, तो 3:15 बजे फ़्लाइट आ रही थी। तो मैंने सोचा यार इसके लेने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे राइड इतनी देर से नहीं आई, 9:30 का खड़ा हुआ था। तो घर आते आते 2:30-3 हो गए थे, तो आज फिर आया उसी हिसाब से ज़रा लेट निकला हूँ। राइड तो मैं देख रहा हूँ को 3:15 से, लेकिन मुझे राइड जाके मिली है को 5:15 बजे। ठीक है, तो ये मैंने एक राइड उठाई थी अपने एरिया से ही, इत्तेफाक हॉस्पिटल की, 750 की, 14 किलोमीटर की राइड थी। और ना मुझे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल गई थी, रश था ज़रा ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कस्टमर ज़रा अच्छा निकला है। उसको मैंने कहा जी आप देख लें कि ट्रैफिक कितनी थी, रश भी था, तो आप खुद ही मेरे साथ कोऑपरेट कर लें। तो जी उसने मुझे 150 रुपया फालतू, मतलब कि उसने ना मुझे 900 रुपया दे दिया। अब कल वाली वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था कल की आपकी सिचुएशन, तो कुछ भाइयों ने मुझे कहा था यार कि ना आप कल्टस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कल्टस के ऊपर यार नुकसान है, तो कल्टस के ऊपर तो आप हाथ से पैसे डाल के पेट्रोल डाल के आप घर आया करोगे, तो आप ना गाड़ी चेंज कर लो, आल्टो वगैरह ले लो या कोई और गाड़ी ले लो। तो यार मेरा भाई देखो, आल्टो अगर मैं लेता हूँ तो आपको पता है कोई चलाने वाली हालत में अगर मिली भी तो कम से कम 20 लाख से नीचे जो है वो आल्टो गाड़ी नहीं मिलती। और 20 लाख का बजट जो है मेरे लिए आउट ऑफ बजट है, मैं ये गाड़ी बेचूंगा, बाकी पैसे मैं कहाँ से डालूंगा। आगे काम के हालात आपके सामने हैं, तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक को बेहतर मेरा वसीला बना दे। तो देखा जाए तो यार कल्टस पे ये नहीं है कि काम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कल्टस के ऊपर काम है, लेकिन उसकी जो है ना 2 वजूहात हैं। पहली तो ये है ना कि आप ये देखें, आप लोग खुद गाड़ी चलाते हैं, खुद भी आप लोग काम कर रहे हैं, आप में से मुझे ये बता दें कि जब से मुझे तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया गाड़ी चलाते, ठीक है एक मिसाल है, और मैं जब से गाड़ी चला रहा हूँ इन ड्राइव का सेम फेयर था, जो मेरे घर से बैरिया टाउन की राइड का आप ये कह लें कि 1300 बिल बनता था ना, तो आज भी उसका 1300 ही बनता है, मतलब कि अभी भी 1280-1290-1295 तकरीबन इतना बनता है, को 5-10 रुपये भी नहीं बढ़ाए। और जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ अब तक पेट्रोल की कीमत में 150 से 180 रुपये तक इजाफा हो गया। मैंने जब चलानी शुरू की थी तो तब थी 135 रुपये लीटर पर लीटर पेट्रोल था, और आज मेरे ख्याल से हो गया 332 रुपये लीटर पेट्रोल है। ठीक है, आप उस लिहाज से अगर अंदाज़ा लगाते हैं ना, तो आज पेट्रोल की कीमत में 180 से 200 रुपये तक जो है ना वो डिफरेंस आ गया। और इन ड्राइव एक तो फेयर नहीं बढ़ा रही, जिसकी वजह से ये निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है, और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है ना अगर ये देखें कि यार हम गंदे फेयर पर राइड उठा लें, ठीक है, और हमें समझ ना आए कि हम अपनी मर्जी के फेयर पर गंदे फेयर पर राइड, मतलब कि एक राइड है ना कोई 10 किलोमीटर की, वो हमें कम अज़ कम 500 से 550 में उठानी चाहिए, कि आपको पर किलोमीटर जो है वो 50 रुपये पर किलोमीटर में पड़ना चाहिए। हम लोग वो नहीं देखते, अगर ये देख के हम राइड उठाएं हमें कभी नुकसान ना हो मिनी की राइड पे, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये आ जाती है कि जो है राइड अगर मिलती रहे तो काम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलता रहता है। अगर आपको कहीं पर 2-2, 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ जाए ना, वो फिर समझ लें आपका टाइम बर्बाद होता है, बचत आपको नहीं आती। लेकिन मैं जो है मैं भी अब कल आपके सामने, बुध का दिन कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी मुझे राइड अच्छी मिल गई थी, तो अभी भी एक लगी हुई है, मैं उसको साथ साथ ऑफर भी कर रहा हूँ कि अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो निकल जाऊंगा। अब मैं जो है इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि 2-2, 3-3 घंटे खड़े होना मेरे लिए ना, मैं कहता हूँ ठीक है यार कि गाड़ी को फजूल ना चलाएं, पेट्रोल आजकल बड़ा महंगा है। तो आप जो लोग कहते हैं कि जी छोटी छोटी राइडें करके तो बस चलाई दें, कस्टमर फेयर पर उठाई दें, तो मेरा भाई ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास आल्टो है, 660 cc गाड़ियाँ हैं, या जिनकी पेट्रोल एवरेज जो है वो फ्यूल की अच्छी है, या जिनकी LPG लगी हुई है। मैं तो अभी गाड़ी चेंज करने के बारे में फिलहाल अभी नहीं सोच सकता, हाँ इंशाल्लाह ये है कि मैं अपनी गाड़ी को जो है ना LPG पे कन्वर्ट करूँगा, और उम्मीद है उससे मेरे काम में ना थोड़ा फ़र्क आएगा। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आज ये राइड पहली मैंने उठा ली है और निकला ज़रा आज लेट, इसलिए क्योंकि मैं रात को भी लेट फ्री हुआ था, तो फिर ज़रा थकावट भी हुई थी रात की, तो सोया रहूँ थोड़ा लेट उठाऊँ। और दूसरी बात यह है कि थोड़े बहुत काम भी थे मुझे पर्सनल, वो भी किए हैं, और मैं 3 बजे से देख रहा था राइड कोई नहीं मिली,
दो तीन घंटे बाद जाके को राइड मिली है, तो अब मॉडल टाउन इत्तफाक हॉस्पिटल आके खड़ा हो गया हूँ। एरिया अच्छा है, यहाँ से राइड इंशाल्लाह कोई ना कोई मिल ही जाएगी। तो बस देखते हैं ऐसा ऐसा। अब ये मैंने एक ऑफर किया राइड को, ये देखें अगर तो एक्सेप्ट हो जाती है तो इसे लेके निकलते हैं, नहीं तो उम्मीद है यहाँ से कोई अच्छी राइड इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन ये है कि देख के ये समझ आ रही है कि यार कल की नस्बत जो है ना आज काम बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। तो आज की आपके साथ अपनी सारी प्रोग्रेस मैं अभी शेयर करता हूँ, तो अभी देखते हैं क्या बनता है, कोई मिलती है राइड या नहीं। ये मुझे मिली है दूसरी राइड, तकरीबन 500 मीटर से लेना और 1 किलोमीटर भी नहीं इन्होंने जाना, तो 250 रुपये की उठाई है। तो समझ लें ये मूव करने वाली बात है कि एक गली से लेकर दूसरी गली में उतारना है। यार ये तीसरी राइड मैंने उठा ली है तकरीबन 9 किलोमीटर की और 550 में उठाई है। मसला ये है कि अब मैं देख रहा हूँ देखें तंग गलियों में है। चलो कोई नहीं, खैर उठा लिया तो अब चलते हैं फिर। यार वो राइड मैंने कर दी थी कैंसिल, क्योंकि ना वो बड़ी तंग गलियों में थी और जब मैंने वो उसकी नेविगेशन ऑन की वो तो 4 किलोमीटर मुझे डिस्टेंस शो कर रहा था। तो मैंने अब ये वाली राइड ली है मॉडल टाउन से ना रेवन रोड के ऊपर है वो ग्रैंड ऑर्चर्ड। मैं भी पहले जो है इस हॉल पे यानी कि ना दोस्त की शादी पे जा चुका हूँ तो पता मुझे ये कौन सा है। तो बहरहाल अब ये वाली राइड उठाई है तो 850 में है तकरीबन 15 किलोमीटर की। रेवन रोड से वैसे मुश्किल से मिलती है राइड, लेकिन कोई नहीं पास है एक दो सोसाइटी इंशाल्लाह मिल जाएगी। चलते हैं ना पिक करता हूँ। ये बाजार है तकरीबन जैसे कि नारकली नहीं होती उससे भी तंग बाजार है और कस्टमर ने यहाँ गाड़ी मंगवा ली है। यार आप फ्री ने यहाँ पे यकीन करें दो दफ़ा लड़ाई हुई है और यहाँ पे गाड़ी खड़ी किया और रास्ता बांधे है। देखें कैसे लोग गुजर रहे हैं, सिर्फ मेरी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। इससे जाहिल लोग हैं यार, लोगों को अकल ही नहीं है। कहते हैं बात दरवाजे के आगे आ जाए, थोड़ा चल के हमने बाहर नहीं आना। यकीन करो ये राइड मैंने इतनी जलालत से ये ड्रॉप किया है ना, आपने देखा होगा अगर तो कोई भाई लाहौर में गाड़ी चलाता उसको पता होगा टाउनशिप के पास ना एक बाजार है तल्ला बाजार के नाम से, तो वहां से ये राइड थी और इचरा बाजार से भी तंग और कंजेस्टेड यानी कि ना बाजार था। अगर कोई 8 फुट चौड़ी गाड़ी है ना तो 10 फुट चौड़ा रोड था, तो वहां से गाड़ी निकालना ऐसा था वहां से तो ये हालात होते हैं अगर दो बंदे अगर मोटरसाइकिलों वाले वहां पे गुजर जाए ना तो वहां पे अजाब पड़ जाता है। अब वहां पे मैं इतनी मुश्किल से गाड़ी पहले अंदर ले गया हूँ, अब वहां से मोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज था। वहां से मैंने गाड़ी मोड़ी है, मोड़ के तो यहाँ पे इनको ले गया हूँ। ये ग्रैंड ऑर्चर्ड ना कोई है मार्की ना रेवन रोड पे, तो यहाँ पे आए हूँ। यहाँ आके ना मैंने इस बंदे को सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा यार तकरीबन घंटा ना मैं तेरी लोकेशन पे आके जलील होता रहा हूँ और अंदर तुझे लेने हैं, सिर्फ तेरे साथ फैमिली है तो भाई मैंने तुम्हें पिक कर ली है तो अब तुम्हारी मेहरबानी मेरे साथ खुद ही कोई कोऑपरेट कर लो। मुंह से भी नहीं मांगे इस बंदे से, तो बंदे ने ऐसा मेरे साथ कोऑपरेट किया यकीन करे मुझे 50 रुपए पकड़ा रहा है। मेरा दिल करे कि अब मैं क्या यार मजबूर था, बहरहाल अब आगे खड़ा हो गया यहाँ पे, अब देख रहा हूँ राइड मिलती है। मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ, यहाँ पे मुश्किल ही है राइड। मैंने पहले आपको राइड उठाते बताया था कि यार वहां से थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कहा यार चलो फारक भी तो खड़े होना ही है तो चलो राइड उठा लेता हूँ। लेकिन उठाई है तो ये बस किस्मत में जलालत हुई है। और ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं यकीन करें, इनसे बचे यहाँ, मुझे इनका कोई हल बताएं क्या करना चाहिए इनके साथ। मैं ना अक्सर कस्टमर के साथ ना लड़ पड़ता हूँ, लेकिन इसके साथ फैमिली थी बस इस चीज़ का इसका लिहाज कर लिया है। तो बहरहाल कस्टमर को भी शर्म ऐसे नहीं आनी, और शर्म असल में देखा जाए तो यार इन ड्राइव को नहीं आनी, इन्होंने फेयर नहीं बढ़ाने, इनका कुछ करना चाहिए, हमें इनके बारे में जो आवाज़ उठानी चाहिए कोई। तो जी अगली राइड यहाँ रेवन रोड से ही मेरी आ गई है जी, फैसल मूवर्स अब्दुल्ला ट्रैवल्स नियाजेडा। तो बस अब वहाँ पे निकलता हूँ, अब वहाँ से इंशाल्लाह राइड लेके तो घर को निकलेंगे। बस निकल रहा हूँ अब मैं यहाँ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए अब्दुल्ला ट्रैवल्स एक्सप्रेस के पास। तो ये राइड जो है मैंने एंड करके पैसे वगैरह इनसे ले लिए और 100 रुपया खुद ही ये ज़्यादा दे गए। अब बस इधर से देखते हो घर की राइड मिलती है, क्योंकि अब मेरा इरादा अब गाड़ी जाऊँ घर जाकर तो आज जो है रेस्ट करूँ। आए वैसे भी लेट ही निकलूँ तकरीबन, तो यार मैं यकीन करें काम बुरा नहीं है, असल में ना वजह ये है कि ना कंपनी ने रेट नहीं बढ़ाए हुए। बात सिर्फ इतनी है कि रेट जो है वो कंपनी बढ़ा देना अगर तो फिर अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बेहतर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। कंपनी रेट जो खुद नहीं बढ़ा रही
और हम जो है फिर कस्टमर को जलील करते हैं, कस्टमर हमें करता है, कसूर सारा जो है वो कंपनी का ही है। तो ये ड्राइव जब जिस दिन रेट बढ़ा देंगे ना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उस दिन काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप सबकी क्या राय है मुझे बताएं, आप लोग भी चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कंपनी की रीज़न है या किस वजह से क्या मसला है? मुझे तो यार यही लगता है कि ना कंपनी ने रेट अभी तक नहीं ना बढ़ाया, इस वजह से काम ख़राब हुआ है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस जो है वो 4 से 5 दफ़ा इंक्रीज़ हो चुकी है और कंपनी एक दफ़ा भी रेट नहीं बढ़ा रही। बहरहाल चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में। अब ये देख रहा हूँ मैं ये राइड, यहाँ पर राइड दूर दूर से ही है, यहाँ करीब से कोई नहीं लगी, एक आधी आई थी अभी मैंने ऑफ़र किया, लेकिन ड्राइवर यहाँ पे काफ़ी है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये सामने आपको ना बाइक राइडर नज़र आ रहे होंगे, ये बेचारे ना खड़े होके ना पूछ पूछ के लोगों को लेके जाते हैं, इन बेचारों का भी बड़ा सख्त काम है, इन पर भी बड़ा तरस आता है। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई, मैंने ना अभी यहाँ डेवो के टर्मिनल से जाके ना अभी बस का रेट पूछा, तो मुझे याद है पहले के रेट से ना अब के रेट में यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद कह रहा कि कुछ 400 रुपये का फ़र्क आया है। तो मैंने पूछा जी टिकट क्यों महंगी हो गया, तो कहते यार डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो मेरे जहन में आया, मैंने ना पहले एक दफ़ा एयरपोर्ट से टिकट का वो फ्लाइट का पता किया, वो भाई जान जो 25-25 हज़ार वाली टिकटें थी, ठीक है मैं साल दे रहा हूँ, लाहौर से कराची की जो थी जो 30 हज़ार की थी, 35 की थी, वो समझ लें 50 क्रॉस कर गई। तो यार ये हाल ही इन ड्राइवर वालों को शर्म नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे। आप लोगों को क्या लगता है कि यंगो की वजह से ये रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, इनका क्या कोई मसला है? जब भी इन्हें स्पोर्ट पे मैसेज किया जाए तो ये लोग जो है यही कह देते हैं कि रेट जो है आपका वो हमारी कंपनी इस पर काम कर रही है, तो यहाँ पर आ जाकर ये बात कह के ख़त्म कर देंगे कि आपका जो है ना मैं कंप्लेन उसको जो है इसका मुतलका डिपार्टमेंट हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसके ऊपर काम चल रहा है। पता नहीं इसके ऊपर कब काम इनका मुकम्मल होना, कब इनके रेट बढ़ने हैं। यकीन करें एक सबसे गंदी ऑप्शन इन्होंने जो दी हुई है ना कस्टमर के पास, वो सबसे गंदी ऑप्शन ये है कि कस्टमर जो है ना वो खुद फेयर को वो कर सकता है एडजस्ट। एक मिसाल 1000 वाली राइड है ना, वो उसको कम करके ना 850 पर ले आता है। और कुछ हजरात हमारे ड्राइवर शापर भाई ऐसे हैं माशाल्लाह के वो उसी रेट पर उठा लेते हैं। और वो देखते हैं, वो आपको सामने एक सीन चेक करा दो, वो गाड़ी वैगनर है ना, ठीक है, वो वार्डन वाला खड़ा है, ये बंदा भी मेरे पास आया, मुझे कहता है जी आपने ना रॉन्ग पार्किंग पे गाड़ी खड़ी की है, तो 2000 का चलान है। मैं कहा भाई सारी दिहाड़ी ला के इन्ने पैसे नहीं कमाए जाते, तो 2000 का चलान करना आ गया। अब उस बेचारे को जाकर पकड़ लिया, मैंने बड़ी मुश्किल इस बंदे से जान छुड़ाई है, मैंने कहा मैं बता दूँ कहाँ जाकर खड़े हों। अब उस बंदे के पास जाके बेचारे के पास खड़ा हो गया, यार हमने राइड लेनी होती है, कस्टमर को पिक करना होता है, निकल जाना होता है, अब उसके पास जाके खड़ा हो गया। अब उसकी जान का आ रहा है, इनका टारगेट होता है बस इनका वो कंप्लीट करना, वो बेचारे ने इसका करला मेहनत किया होगा, उसको अब छोड़ दिया तो पीछे चला गया। ये लात दौड़ कर रहता है, ये काम भी होता रहता है मेरा, आगे थोड़े दिन पहले हुआ था सीट बेल्ट की वजह से, मैं अक्सर मैं लगानी भूल जाता हूँ, बड़ा 500 का ही हुआ था। बस इसलिए कहते हैं कि जो रिजक आपके किस्मत में लिखा हो ना और नसीबों में, वो आपको मिल के ही रहता है। मेरा अब जहन था कि नियाजी अड्डा से ना मैं आपको घर की राइड देखूँ, तो राइड में देख रहा था, राइड मुझे कोई नहीं मिल रही थी, तो मैं खड़ा हुआ, मेरे पास एक बंदा आया, कहता जी आप ये इंटरव ऊबर वगैरह चलाते हैं? मैं कहा जी। कहते यार मुझे इस्तेमाल नहीं करनी आती, तो मैंने वो करवानी है, तो अगर आप मुझे लेके जा सकते हैं तो आप मुझे ले जाए। मैंने कहा जी कहाँ जाना आपने? तो मुझे कहता जी DHA जाना है, Phase 4। मैं लोकेशन लगाई, तकरीबन जो डिस्टेंस था ना वो समझ ले आ रहा था 17 से 18 किलोमीटर का, मैंने 1300 मांगे, फिर वो मैंने 1200 का नहीं माना, फाइनल जो है फिर 1000 रुपये मैं उन्हें ले के आया हूँ। तो Phase 4 आके अब खड़ा हो गया हूँ, अब यहाँ से देख ले तू, मैं सोचा पहले भी यही था कि वहाँ से घर चला जाऊँ, लेकिन किस्मत में फिर ये था वो यहाँ पर आ गया। अब तो अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे सामने तो फुल सन्नाटा अंधेरा हुआ हुआ है, ऊपर ये एक लाइट चल रही है, तो मैं इसके नीचे आके खड़ा हूँ, मैंने कहा ये ना हो वारदात डाल जाए। अब यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कोई राइड घर के लिए, देखता हूँ अब कोई। ओए होए होए यार यकीन करे, अब ये एक राइड आई है गड़ीशो की थी, मैंने उसको फर्स्ट फेयर दिया, मैंने पहले देखा कि इसने जाना कहाँ है, इतनी देर में मैंने जब ऑफर किया। ये देखें, अब देखना ड्राइवर देखना बस आप कैसे आते हैं,
ये देखें एकदम से पूरी लाइन, ये हालात हुए हैं। लग मुश्किल ही रहा है, लेकिन अल्लाह करे कोई नसीबों में जो होगी वो तो मुझ फिर मुझे मिलनी है, वो तो ना कुछ छीन सकता। बात तो किस्मत की है, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलनी है। ले जी ये राइड उठा लिया मैंने DHA से, और ये है घड़ी शो की, करीब करीब ही है घर के। समझ लिया कि गंदे कस्टमर फेयर पे जिसमें से 1 रुपया भी नहीं बच रहा, बस ये है कि घर जाने का पेट्रोल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, मैंने उठा ली है। और जब मैंने कस्टमर फेयर ऑफर किया, वो पता कस्टमर कहता है कि कम से कम पैसों में जाए, सबसे कम फेयर मेरा ही था, तो मेरी एक्सेप्ट हो गई राइड, शुक्र किया अल्लाह का। अब निकलता हूँ, तकरीबन जाना भी कुछ 4 किलोमीटर है इसको लेने, रह गया 3-3.5 किलोमीटर। ये फेज़ 4 में होना मैं तो, ये आई है मुझे फेज़ 2 से, और इसे राइड को पिक करके ना तो इसे उतारता हूँ। और आज की जो रूटीन जो थी मेरी आपके सामने, माशाल्लाह आज ये है कि चलो शुक्र अल्लाह का, मायूसी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है काम जो है आज अच्छा हो गया। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना। बाकी जो है इंशाल्लाह सुबह जुमा है, तो सुबह मुझे एक छोटा सा काम है, हफ्ता इतवार जो है ये करेंगे 2 दिन अच्छा काम, तो बस दुआओं में याद रखना। और अपनी भी रूटीन जो है जो आपके साथ बीतती है कमेंट में आप मुझे बताते हैं, कुछ जो भाई हैं वो नहीं बताते वो भी बता दिया करें, एक दूसरे के जो है वो एक्सपीरियंस इंसान का मज़ीद बढ़ जाता है, एक दूसरे से पूछ के, एक दूसरे के सुन के, एक दूसरे का मशवरा लेके। और देखने वाले तमाम मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया, और दूसरी बात छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी उनसे कि जब भी आप मेरी वीडियो देखा करें तो काइंडली उसे लाइक कर दिया करें, और लास्ट पे जिसने मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस यहाँ पे DHA में आपको पता है मेरा मूवी भी आते हैं, जो है रिव्यू बाइक्स वगैरह ऐसी गुजरती हैं, गाड़ियाँ मॉडिफाई करवाई हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।